कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो पे बोला था कि मैं एक माइक का अपग्रेड करने वाला हूँ, वो माइक मैंने गलती से बोया का माइक बोल दिया होगा लास्ट वीडियो पे, क्योंकि उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था हेवी सेट के बाद। तो एक्चुअली मैंने बोया का माइक नहीं लिया एंड मैंने लिया है रोड का वायरलेस गो टू माइक। एंड आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। एंड आज के जिम सेशन एक स्क्वाट और फ्लोर प्रेस पे होने वाला है, तो अभी सीधा नेक्स्ट शॉट पे मिलते हैं जब मैं जिम के लिए निकलूँगा। तो अभी जिम के लिए रेडी हो चुके, तो अभी निकलते एंड सीधा जिम पे जगह मिलते हैं आप लोगों से। एक दो तीन 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 बैग लेके जा रहा हूँ, हम पे गाड़ी नहीं है, बाइक लेके जाएंगे। हेलमेट उठाते हैं, मेरा कहाँ गया, आइए रहा हेलमेट उठा लिया, तो चलो अभी निकलते हैं, वी गो जिम। तो गाइज अभी जिम पहुंच गए थे एंड वार्म अप करके पूरा रेडी हो चुके हैं स्क्वाट के लिए, तो सीधा अभी स्क्वाट पे मिलते हैं, ठीक है। तो आज स्क्वाट पे हम एक टेम्पो पोस्ट स्क्वाट अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि मेरा स्क्वाट वीक है, इसलिए मैं टेम्पो पोस्ट स्क्वाट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, उससे मेरा स्क्वाट बहुत इम्प्रूव होगा। जितना स्लो एंड स्मूथली मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाऊँगा उतना ही जल्दी मेरा लिप्स और इंक्रीज होगा। तो अभी वार्म अप कर रहे हैं, 60 केजी का वार्म अप हो गया, अभी शायद 80 केजी का सेकंड वार्म अप होगा, उसके बाद आज का मेन सेट पे 100 केजी का पोस्ट स्क्वाट है तीन सेट का। तो फिर अभी वार्म अप करते उसके बाद लाइक चोला, तो अभी वार्म अप करते उसके बाद सीधा मेन सेट पर मिलते हैं आप लोगों से। सही हुआ वापस, सही हुआ वापस। अभी फाइनल सेट है 100 केजी का, तीन या शायद चार सेट है, वो बाद में देख के बताएंगे। लेट्स गो बेबी, 100 केजी है, कुछ नहीं है, लाइट है, पाँच चढ़े मरना है, बस इजी है, बेल्डलेस, पूरा स्लो टेम्पो पे। एज एक्सपेक्टर अच्छा ही गया, 100 केजी है, क्या है, लाइट वेट है। नेक्स्ट वीक को सेट फटेगा, 120 या फिर 110 हो सकता है, तब हार्ड हो सकता है सेट, अब इजी है। आज का फ्लोर बेंच पे से तो रहे भी है, शायद 110 केजी का होल्ड है, तो और दो सेट ख़त्म करते हैं उसके बाद मिलते हैं। I think that we've all had enough.
the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine over everything. सो अभी टेम्पो स्क्वाड का तीनों सेट हो गया. एंड आप लोगों को एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका स्क्वाट वीक है, अगर आपका स्क्वाट पे डेप्थ अच्छा नहीं है और समझ लो आपके स्क्वाट का स्टैंड भी अच्छा नहीं है, तो मेक श्योर आप ये वाला एक्सरसाइज ऐड करें अपने लेग डे के दिन. उससे आपका स्क्वाट डेफिनेटली इम्प्रूव होगा. एंड स्टार्टिंग लाइट वेट से करिए, जैसे कि अभी मैं लाइट वेट से कर रहा हूँ. लास्ट वीक को मैंने 90 केजी पे किया था, आज 100 पे कर रहा है. एंड मेरा स्क्वाट पेयर 140 केजी है, उसके हिसाब से मैं 90 टू 100 बहुत लाइट वेट पे कर रहा हूँ. आप लोग भी लाइट वेट पे करना. एंड अगर आप लोग का कोच है कोई, अगर कोच ने अगर आपको ये एक्सरसाइज करने नहीं दिया, तो सोचो कि आपका कोच आपको अच्छे से टाइम नहीं दे रहा है. ये वाला एक्सरसाइज ऐड करना मत भूलना अपने लेग डे के दिन पे. तो अभी लास्ट वार्म अप ले रहे हैं फ्लोर प्रेस का 80 केजी का. उसके बाद शायद आज 110 का होल प्रैक्टिस है, तो इसको करते हैं एंड 110 पे मिलते हैं बाद में. अच्छा तुम टाइमर पकड़ना, सौरभ दा उठा दियो. हाँ खाली होल्ड, अरे उठा दो सौरभ दा. ना ना 30 सेकंड. सर 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 स्टार्ट कसो. तो बहुत लोग जो पावर लिफ्टिंग नहीं करते, वो सोच रहा होगा कि मैं ये क्या था, ये किस टाइप का एक्सरसाइज था. मतलब ऐसे अनरैक किया है, बस कुछ समय के लिए होल्ड किया है, फिर से रैक कर दिया. तो पावर लिफ्टिंग पे ऐसे एक वर्कआउट होता है. मतलब आप अपने बॉडी को बोल रहे हो कि मतलब ये वेट कितना हैवी है, तो फील कर ले पहले उस मारने से पहले. मतलब इस बेसिकली काइंड ऑफ ए माइंड मसल कनेक्शन. अभी जैसे कि मैंने 110 ऐसे वेट उठा के होल्ड किया, तो जब मैं पीआर मारने जाऊंगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये वाला वेट आगे से फील करके रखा हुआ है. तो मेरा माइंड बोलेगा कि ये तो इजी है, ऐसे आराम से उठा लेगा. तो बस उसी के लिए ये प्रैक्टिस है. तो अभी 90 केजी का रेपुटेशन सेट पे मिलते हैं, ठीक है? तो 90 केजी करते हैं. वीडियो नहीं है ये, ऑडियो है. ভালো করে মার. স্টিপ লক, স্টিপ লক. মজা
साइड साइड उरे बाप रे बाप Let's go. तो अभी आज का मेन पावर लिफ्टिंग वर्कआउट खत्म हो चुके एंड अभी दो एक्सरसाइज वर्कआउट करेंगे. तो पहले हम करेंगे लेग एक्सटेंशंस. तो अभी लेग एक्सटेंशंस करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलते हैं आप लोगों से. अभी लास्ट सेट ले रहा है फुल स्टैक 75 kg. लेट्स सी कितना रेप जाता है. लेट्स गो. पूरा स्लो एंड कॉन्ट्रैक्ट करके मारना है. तो अभी लेग एक्सटेंशन का तीनों सेट हो गया, कंप्लीट हो गया. एंड आज बहुत लेट हो गया. सोच रहा है कि वेटेड डिप्स नहीं कर गया क्योंकि फिर से 10 kg का प्लेट्स लेके लगाओ फिर खोल के रखो बहुत टाइम चला जाएगा. इसीलिए अभी केबल पुश डाउन कर रहा है. तो केबल पुश डाउन करते हैं उसके बाद सीधा एंड पे मिलते हैं आप लोगों से. तो गाइस अभी लास्ट सेट बस ख़त्म हुआ है एंड आज का वर्कआउट इधर ही ख़त्म हो गया. जिम के सभी लोग चला गए, बस हम दोनों ही हैं, मैं और मेरा जिम ब्रो जिसके साथ मैं आता हूँ. आज के ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. एंड बहुत लोगों ने पूछा था कि भाई आपकी पावर लिफ्टिंग स्प्लिट शेयर करने के लिए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ. नेक्स्ट वीक को मैं अपलोड करूँगा कि मैं मंडे से लेके सैटरडे तक जितना भी वर्कआउट करता हूँ वो पूरा एक सीरीज़ पे डेली करके अपलोड करूँगा. तो वही बोलना था. अभी ब्लॉग को इधर एंड करते. सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो गाइस. तब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइस एंड बाय.